हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं नीलम और आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अजवाइन प्लांट के विषय में कुछ जानकारी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अजवाइन का प्लांट है। ये देखने में बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही खूबसूरत सा। लेकिन ये वो वाला अजवाइन का प्लांट नहीं है जिसमें कि अजवाइन आती हो। इसमें अजवाइन नहीं आती है, जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं ना अजवाइन, वो इसमें नहीं आती है। लेकिन इसकी खुशबू जो होती है ना, इसकी खुशबू बिल्कुल वही वाली है जो अजवाइन की होती है। बिल्कुल इसका एक भी पत्ता आप अगर तोड़ के ऐसे नसल के देखते हो ना, या ऐसे टच करके ही देखते हो और फिर इसको सूंघ के देखोगे, तो इसकी वही खुशबू है, बहुत अच्छी सी अजवाइन वाली खुशबू। और इस प्लांट की जो पत्तियाँ होती है ना, ये हेल्थ बेनिफिट्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, अजवाइन की पत्तियों का। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है मेरा, ये बहुत छोटा सा प्लांट मैं लेके आई थी। और ये देखिए, ये कितना खूबसूरत है, कितनी प्यारी इसकी लीव्स हैं। ये देखिए, इसकी जो लीव्स है ना, वो बिल्कुल ऐसी है जैसे वेलवेट होता है, वेलवेट की तरह थिक होती हैं इसकी लीव्स। ये देखिए, इसकी लीव्स होती है ना, थिक हैं। और इसके किनारों पे डिज़ाइन देखो कितना सुंदर हो रखा है। और जिस तरीके से ये पत्तियाँ निकलती हैं ना, ग्रो होती हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं देखने में। और बहुत ही इजी टू ग्रो, बहुत आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। कोई केयर भी नहीं होती है इसकी, कोई फर्टिलाइजेशन की भी इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही आसानी से लगाया जाने वाला एक, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। और आप इसको लगा के, अगर आप इसको जैसे ज़्यादा बड़ा ना करना चाहें तो इसको ट्रिम करते रहें, तो इसको ना हम अपने किचन में भी रख सकते हैं खुशबू वगैरह के लिए। बहुत ही प्यारा होता है ये प्लांट। तो ये वाला जो प्लांट है ना, ये देखिए, ये मेरा मेन प्लांट था, मदर प्लांट। ये मैं लेके आई थी नर्सरी से, फिर मैंने इसकी एक डंडी तोड़ के ऐसे ही इसमें लगा दी थी, बिना किसी रूटिंग हार्मोन के। ऐसे ही इसकी डंडी मैंने तोड़ के, जैसे यहाँ से तोड़ी और तोड़ के मैंने इसको इसमें लगा दिया था। अभी बारिश के टाइम पर, मानसून सीजन में, तो ये अपने आप ही देख लीजिए कितना अच्छा ये वाला भी ग्रो हो रहा है। इसकी डंडी कहीं भी तोड़ के आप लगा दोगे ना, प्रोपोगेशन इसका बहुत ही ईजी होता है। इसकी डंडी जैसे तोड़ी एक ब्रांच और कहीं भी आप लगा दोगे, बहुत ईजिली लग जाता है, आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। और देखने में तो है ही कितना खूबसूरत ही है। मिट्टी की बात करें इसकी, तो मिट्टी जो होती है ना इसकी, वैसी ही बनेगी जैसे और प्लांट्स के लिए हम बनाते हैं, वेल ड्रेन मिट्टी बनेगी इसकी। और खाद भी जो है इसको एज सच कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा। साल में दो बार फर्टिलाइज जैसे सारे प्लांट्स को करते हैं, वैसे इसको कर देंगे। इसके अलावा कंपोस्टी वगैरह हम बना के इसमें डाल सकते हैं, या फिर 2 महीने में 3 महीने में भी अगर हम इसमें खाद देते हैं ना, कोई भी कंपोस्ट देते हैं या वर्मी कंपोस्ट देते हैं या गोबर की, सड़े हुए गोबर की खाद देते हैं, तो उससे भी इसका काम चल जाता है। ये आपसे कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता है और आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। इसको ऐसा भी नहीं है कि पूरे दिन की धूप में रखा हुआ है तो कुछ इसमें प्रॉब्लम होगी, ये पूरे दिन की धूप में भी रह लेता है। और अगर आप इसको इनडोर लगाना चाहेंगे तो इनडोर भी चल जाएगा ये आसानी से, किसी भी तरीके से ये प्लांट चल जाता है। या जैसे कि आपने ऐसी जगह रखा हुआ है कि सुबह की थोड़ी सी धूप आती है, उसके बाद छाया हो जाती है, तो शेड में भी चल जाता है ये वाला प्लांट, थोड़ी देर की धूप और थोड़ी देर की छाया, तो उसमें भी आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। और इसकी कटिंग, जैसे कि ये स्टेम्स जैसे इसकी बड़ी हुई है ना, तो इसको यहाँ से कट कर दो, तो कट करते रहेंगे तो और नई नई स्टेम्स आती रहेंगी, तो ये बहुत बुशी भी हो जाता है और देखने में इसकी शेप भी बहुत सुंदर हो जाती है। तो आप इसको जैसे छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसको छोटा सा ही रखना है, तो बहुत सुंदर से इसको पॉट में लगा के आप इसको, इसकी कटिंग करके आप इसको किचन में भी रख सकते हो, तो खुशबू भी देगा आपको और देखने में ग्रीनरी भी क्रिएट करेगा, ब्यूटीफाई भी करेगा आपकी किचन को, और खुशबू तो देगा ही देगा। खुशबू तो इसकी होती ही बहुत अच्छी है, जैसे इसको ऐसे छुआ ना, और छूने के बाद इसको अगर हम सूंघ के देखते हैं तो इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। मैं तो जब भी छत पे आती हूँ ना, तो इसको ना टच कर करके छू छू के देखती रहती हूँ, इसकी खुशबू मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने इसको कुकिंग में तो नहीं यूज़ किया है, वैसे कहते हैं कि इसके पत्तों को खाने में भी यूज़ कर लेते हैं, मैंने तो खैर इसको खाने में यूज़ नहीं किया है। ये मेरे को खुशबू के लिए और देखने में ही बहुत सुंदर लगता है, तो इसीलिए मैं इसको लेके आई थी कि मेरे को देखने में इतना सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने इस प्लांट को ख़रीदा था। और हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं इसके, मेडिसिन वगैरह में काम आता है ये, दवाइयों वगैरह में, तो उस हिसाब से ये प्लांट बहुत ही अच्छा होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लांट कितना ही खूबसूरत है। वाटरिंग फ्रेंड्स, इसको हम एक बार जैसे दिन में दे देंगे
सर्दियों में तो एक बार से काम चल जाता है, गर्मियों में अगर हम दोनों टाइम भी अगर दे देते हैं तो भी कुछ नहीं। बस ये है कि पानी इसमें बस भरा ना रहे, पानी खड़ा ना रहे इसके अंदर, पानी जैसे हम डालें और डालते ही इससे ड्रेन हो जाए पानी, इस तरीके से हमने इसको वाटरिंग करनी है। क्योंकि इसकी जो लीव्स है ना ये थिक होती हैं, इसके अंदर खुद भी मॉइस्चर होता है, पानी होता है इसकी लीव्स के अंदर खुद भी। ये देखिए इसकी जो लीव होती है ना इतनी मोटी होती है, इतनी मोटी सी लीव्स हैं इसकी, ये देखिए। तो ये वाला जो प्लांट है, आप नर्सरी से अगर मांगेंगे ना अजवाइन का पौधा दे दो तो अजवाइन के पौधे के नाम पर ये पौधा खूब बिकता है, लेकिन इसमें अजवाइन के बीज नहीं आते हैं। मैं अभी भी आपको बता रही हूँ, मैंने भी यही सोचा था कि इसमें ना अजवाइन के बीज आते होंगे, जैसे अजवाइन होती है ना जो खाने वाली, तो मैं भी यही सोची थी कि इसमें अजवाइन आती होगी, लेकिन इसमें अजवाइन नहीं आती है, बस इसमें खुशबू होती है अजवाइन की। अजवाइन का जो पौधा होता है ना वो बिल्कुल ही अलग तरीके का होता है, उसमें अजवाइन आती है, इसमें अजवाइन नहीं आती है, बस खुशबू इसमें बहुत अच्छी सी होती है अजवाइन की। तो हम इसको अपने किचन में मतलब कि डेकोरेटिव प्लांटर में लगा के इसको अपने किचन में रख सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और अपने गार्डन की सुंदरता बढ़ा सकते हैं, ग्रीनरी क्रिएट कर सकते हैं। ग्रीनरी क्रिएट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अजवाइन का प्लांट, खुशबू भी देगा, ग्रीनरी भी देगा और मेडिसिनल वैल्यू तो होती ही है इसकी। तो फ्रेंड्स आप भी लाइए इस प्लांट को अपने घर और अपने गार्डन में ऐड कीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड।